दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। अब हम नारनौल उपस्थित हैं। जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के दयाराम यादव, जो पहले बीजेपी से विधानसभा नांगल चौधरी से चुनाव लड़ चुके हैं और अब जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और चुनाव विधानसभा का है, नजदीक आ गया है। लोकसभा का चुनाव पीछे संपन्न हुआ है, इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो पार्टी ने पहले जो रिपोर्ट कार्ड की जो बात की थी, रिपोर्ट कार्ड पूछते हैं, जिले का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी का कैसा रहा इनके कार्यकाल में और इनका क्या कहना है, इन सब बातों पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार रामचंद्र जी। जी आप जैसे रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, आपने जैसे कुछ दिन पहले अभी पार्लियामेंट चुनाव हुए थे जिसका परिणाम आपने देखा। हालांकि अन्य जिलों में हम थोड़े कमजोर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जिला कार्यकर्ताओं की छावनी रहा है। हर बूथ के से लेकर के हर मंडल पर, हर शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता हमने पूरी मजबूती तैयार कर रखे हैं इस जिले के अंदर। और चारों विधानसभाओं में हम एक भारी मतों से यहाँ जिताया है। 45,000 वोटों से यहाँ दूसरे जिलों की पूर्ति करते हुए 45,000 वोटों से हमने जिता करके यहाँ से भेजा है। और निश्चित रूप से अब ये रिपोर्ट कार्ड आप पीछे की पूछ रहे हैं, ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन आने वाले भविष्य में भी ये चारों विधानसभा बहुत भारी मतों से हम जिता करके भेजेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बाकी जिलों से अच्छा प्रदर्शन करेगी और अच्छे मार्जिन से विधानसभा यहाँ से जीतेंगी, निश्चित है। क्या रिपोर्ट कार्ड की तवज्जो मिल पाएगी? जैसे पहले रिपोर्ट कार्ड की जो बात थी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं महेंद्रगढ़ से, और उन्होंने पार्टी को दो टिकट, दो सीट से 47 सीट तक पहुंचाया, और उसके बाद में सीएम मनोहर लाल जी को बना दिया जो पहली बार के विधायक थे, और पहली बार के एमपी बने, उनको बड़ा मंत्रालय दे दिया गया। तो क्या पार्टी में काम की पूजा है, कदर है, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से पार्टी में काम की कदर भी है और व्यक्ति को आगे बढ़ाने का दायित्व तो देने का, जिम्मेवारियां देने का पार्टी हर तरह से सोच समझ कर दायित्व तो देती है। रामविलास जी ने वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं, आपकी 2 सीट से और हमें 47 सीट तक पहुंचाने का हर गांव में, हर जिले में, पूरे हरियाणा में, मतलब वो जब नाम लेते हैं तो आप देखते हो किसी भी नगर में, शहर में जाते हैं तो 20-30-50 नाम लगातार लेते हैं। उनका कार्यकाल लंबा समय भारतीय जनता पार्टी का रहा, पूरे उनकी मेहनत रही है। और जैसे आपने मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी, उनकी कार्यशैली कारण आज मुख्यमंत्री रही 2 बार, और उनका ऐसा हरियाणा में काम किया आप देख रहे, जैसे इस क्षेत्र के अंदर अपने जिले में ही आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया, यहाँ लॉजिस्टिक हब बनाने का काम किया, आपके IMT खुडाना के अंदर आज हजारों एकड़ जमीन खरीद करके अब जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा वो काम काम किया, मेडिकल कॉलेज यहाँ बना, यहाँ डोसी क्या पार्क। आप मानते हैं IMT इसी कार्यकाल में कुछ काम शुरू हो पाएगा या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल पूरी तैयारी है। और आप जैसे पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा था, अगर IMT का कार्य जल्दी ही शुरुआत होने वाला है और इस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री आने वाली है, हर व्यक्ति को काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, अफसर को अफसर स्याही मिलेगी, कलरक बनेगा, मैनेजर मैनेजर बनेगा, इंजीनियर इंजीनियर मतलब अच्छी तरह अपना काम कर पाएगा। ऐसा इस क्षेत्र में अच्छी रौनक आ रही है। जैसे आपने रोडों का जाल देखा, नेशनल हाईवे 152D का इतना बड़ा देखा, नारनौल का बाईपास देखो, नांगल चौधरी का बाईपास देखो, अटेली में क्योंकि बाईपास देखो, राव इंद्रजीत महेंद्रगढ़। जी हैं जो लगातार सांसद रहे हैं, और उन्होंने अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे उनकी रैली के अंदर कहा भी था कि लगातार मैं 6 बार एक ही मंत्रालय मेरे पास है, तो उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। और दक्षिणी हरियाणा के लिए उन्होंने कहा था कि लगातार हमने 3 बार हरियाणा में सरकार बनाई है, दक्षिणी हरियाणा के सहयोग से बनी है, तो उनको पार्टी ने कैसे इग्नोर किया है इसके बारे में? इग्नोर नहीं किया, देखिए आपको बताऊंगा, जिम्मेवारियां पार्टी में कोई छोटी और बड़ी नहीं होती। जहां जिस आदमी को जो जिम्मेवारी दी जाती है वो पार्टी संगठन और शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेवारी सोच कर देता देता है वो ठीक करता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। आदरणीय
इंद्रजीत जी का यहाँ अपने क्षेत्र में या देश की राजनीति में यहाँ बहुत अच्छा मान और सम्मान है उनका, अच्छा उनकी अच्छी प्रतिष्ठा तो जैसे है। महेंद्रगढ़ जिले ने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, ये सच्चाई है, क्योंकि चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी जिले से आते हैं, जबकि महेंद्रगढ़ जिले ने उनको जिताया है। सब जातिवाद से दूर होकर के महेंद्रगढ़ जिले ने काम किया है, भले ही अहिरवाड़ है महेंद्रगढ़, और रावदान सिंह जी जो अहिर जाति से आते हैं, लेकिन उनको कम वोट दे करके चौधरी धर्मवीर सिंह जी को जिताया है। क्या पार्टी जो ये क्षेत्र है जिसने बीजेपी को काफी वोट दिया है, इसको कुछ तवज्जो देने वाली है? निश्चित रूप से तवज्जो मिलेगी और इस क्षेत्र का मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जिले का कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, न जाति में पर वोट देते, यहाँ के विकास को वोट मिले। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो इस क्षेत्र में काम किए, प्रदेश में काम किए, देश में काम किए, उसके नाम के वोट मिले। आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब जी जो नए यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो इस क्षेत्र के लिए नहीं पूरे प्रदेश को, मैं कहता हूँ आज पूरा प्रदेश पूरा खुशहाल है। चाहे सड़क देखो, बिजली देखो, बगैर पर्ची बगैर नौकरी देखो, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अरे ये जिला तो इतना धन्यवाद करता है पार्टी का, कभी यहाँ पानी का सपना नहीं था, हम आखिरी झोपड़ा पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस की आज से 10 साल पहले के जब अतीत में जाते हैं तो आपने देखा होगा महेंद्रगढ़ से नारनौल का रोड, रोडवेज की बसें बंद हो गई थी, बसें नहीं चलती थी रोड के ऊपर, ऐसी हालात थी। आपको तो आज आप जाइए ना कहीं भी, 3-4 घंटे में आप चंडीगढ़ चले भी जाएंगे, आ भी जाएंगे शाम को आकर के। इतना बढ़िया काम किया है। आज किसान जो गरीब किसान है उस प्यासी धरती के पास जाने का काम किया है, उसके गरीब किसान के आंसू पोंछने का काम किया है, हर खेत को पानी मिल रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं। अब नदियों में पहली बार देखा, बरसात में कभी पहले आज से 20-30 साल पहले आता था पानी, लेकिन पहली बार नहर का पानी नदियों के अंदर डाला जा रहा है। ये छोटा काम है क्या? तो आज जो पार्टी चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, और जिले की कार्यकारिणी को लेकर, जिले के कार्यकर्ताओं को लेकर और दूसरी विपक्षी की पार्टियों को लेकर क्या कहना? देखिए विपक्ष हमारे सामने, मैं कहूँ कुछ है नहीं। आप कांग्रेस की बातें करते हैं, विपक्ष में कांग्रेस कोई नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस कोई समझो तो बाप बेटे की पार्टी एंड सन कंपनी है, उड्डा उनके बेटे, केवल आप उनको माइनस करिए, कोई नहीं। उनमें भी धड़े तुले हुए हैं, जैसे पिछले दिनों बाकी संगठन के लोग तोड़ रहे हैं, अब बाकी वो टूटेंगे आप देखना जब टिकटे होंगी। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जो ढांचा है हमारा, सबसे नीचे कार्यकर्ता बूथ का है, पन्ना प्रमुख है, त्रिदेव है, शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र के बाद मंडल है, मंडल के बाद जिला है। क्या हरियाणा में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष आप बता सकते हैं कि जिला महेंद्रगढ़ का जिला अध्यक्ष कौन है? कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपको हर जगह, हर स्तर पर, हर गांव में और हर बूथ के ऊपर मिलेगा आपको। तो ये संगठन का ही अच्छा, जो मैं कहता हूँ जिम्मेवारी से, जो 4 सीटें हमने जिताने काम किया पार्लियामेंट में, संगठन पूरा तैयारी है, विधानसभा के अंदर भी अच्छा चुनाव लड़ करके अच्छी सीटें अच्छे मार्जिन से जिताएंगे चारों चारों, ऐसा हमने पूरी तैयारी के साथ तैयारी कर रखी। तो जैसे जो टिकट की जो बात है, और हम लगातार देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आए तो कुछ कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही थी, तो कुछ चर्चा में भी हैं, तो आपका क्या कहना है टिकट में नारनौल से, क्या आपकी दावेदारी हो सकती है? देखो रामचंद्र जी, ये जिम्मेवारी हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करता है कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। हम अपनी इच्छाएं नहीं, हाँ इच्छाएं राजनीति में सबकी होती है। मैंने पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ा है और इच्छाएं तो रहती हैं, चुनाव पार्टी लड़ाएगी। नारनौल विधानसभा से तो लंबा राजनीतिक क्षेत्र रहा है मेरा, कभी से मैं 88 में जैसे सरपंच रहा तब तो मैं एक मंडल अध्यक्ष था, जब 6 मंडल होते थे जिले में, आज 15 मंडल है। आज मेरे को पार्टी ने जिला का पिछले दिनों महामंत्री बनाया, जिला का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश में मैं नायब जी के साथ किसान मोर्चे में काम किया, हमने धनखड़ जी आदरणीय हमारे उनके राष्ट्रीय सचिव के साथ काम किया, अन्य मतलब काफी हमारे नेतृत्व तो सुभाष बराला जी ने किसान मोर्चा का किया, उनके साथ काम किया। तो यानी मेरा कहने का लंबा राजनीतिक क्षेत्र है। 11 साल की नौकरी करके पार्टी ने मेरे को संघ से
बीजेपी में टिकट देने का काम किया, चुनाव लड़ना। आप भी जो जिम्मेवारी देगी, चुनाव लड़ाएगी, निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी तो जिसको भी देगी तो संगठन के हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस की तरह नहीं है, फ्रेंडली मैच है। इच्छा सबकी होती है, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को कार्यकर्ता पे टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस में बीजेपी में अंतर है। बीजेपी का कार्यकर्ता कैसा भी हो, ऊंचा या छोटा या बड़ा नहीं है, यहाँ सब कार्यकर्ता मांगने का हकदार है। लेकिन जब टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से जिसको पार्टी अपना जो भी उम्मीदवार बनाती है उसका पूरे तन मन धन से साथ देकर उसको जिताने का काम करती है। एक मेरा आखिरी सवाल है, जो चर्चा है लगातार हरियाणा में, ईडी देश में ही पूरा काम कर रहा है और कुछ जगह जो ईडी ने छापे मारे हैं, कोई पक्षपात पूर्ण की कुछ लोग बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? रामचंद्र जी, ईडी अपने आप में स्वतंत्र विभाग है और वो अपना काम ईमानदारी से करता है। जिन लोगों ने घोटाले या भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप देख रहे, कोई गरीब की थोड़ी मार रही छापा ईडी या किसी और कोई थोड़ी ना, जिनके पास दो नंबर का पैसा खूब भारी भरकम, उनके छापा मार रही है और ईमानदारी से किसी के कहने से काम नहीं करता संगठन ये। देखिए दर्शकों, जिला अध्यक्ष जी जो दयाराम यादव हैं, उन्होंने पूरा अपना बताया है और जैसे बात बात में इन्होंने ये भी बता दिया कि यदि पार्टी इनको टिकट देती है तो ये चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो दर्शकों, आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप अपने सुझाव अपने कमेंट्स अवश्य डालें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।